इस वक्त मौजूद हैं हम सागंज विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी इंद्रदेव यादव जी के साथ। इनसे हमारी कुछ बातचीत होगी सागंज विधानसभा को लेकर और सागंज में विकास का मुद्दा क्या होगा। जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आपकी पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मायावती अब तक नज़र नहीं आ रही थी, चुनाव जिस तरह से नज़दीक आया फिर अब मायावती दिख रही है, क्या मुद्दा है बसपा का? मान्य बहन जी, बहुत रणनीति के साथ चुनाव मैदान में आई हैं। आपको एहसास होगा कि जो 4 राउंड के चुनाव हुए हैं, 5 राउंड के, उसमें बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर चल रही है। और विकास की रही बात, तो विकास तो यहाँ हुआ ही नहीं है विगत 20 सालों से। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सबसे बड़ी चीज़ कानून का राज था। एक भी दंगे उत्तर प्रदेश में नहीं हुए। अधिकारी घड़ी देखता था कि 10 बजने वाले हैं तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता था कार्यालय में। आज भ्रष्टाचार और दुराचार जिस तरीके से पूरे प्रदेश में हो रहा है, जनता हाहाकार मचा रही है। निश्चित रूप से मान्य बहन जी को याद कर रही है, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार को याद कर रही है। आने वाला दिन निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी का होने वाला है। जिस तरह से जनता का रुझान देखने को मिल रहा है कि जनता कह रही है कि सपा और भाजपा में लड़ाई है, बसपा का कुछ नाम नहीं है, आपको क्या लगता है? हाँ, बसपा का मतदाता हमेशा साइलेंट रहता है। इतिहास उठा के देखिए, कभी भी किसी सर्वे ने बसपा के पक्ष में दिया? बसपा का मतदाता चौराहे तिराहे पे चिल्लाता नहीं है। और टीवी वाले सर्वे करते हैं चौराहे तिराहे पे, जो लोग बोलने वाले होते हैं बोलते हैं, उसी को सर्वे देते हैं। 2007 की बात ले लीजिए, बहुजन समाज पार्टी को किसी चैनल ने नहीं दिखाया था कि स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। कोई 30 दिखा रहा था, कोई 40 दिखा रहा था। परिणाम आए 2007 का, 206 सीटें लेकर बहुजन समाज पार्टी अस्पष्ट रूप से सरकार बनाई थी, उसी तरीके से फिर बनाने जा रही है। जी, अगर हम आपके सागंज विधानसभा की बात करें तो आपको क्या लगता है आपकी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई किसी नहीं है। मैं एक ऐसा नेता हूँ कि आज तक मेरे राजनीतिक जीवन में मुझसे एक व्यक्ति नाराज नहीं है। मैंने सबको सम्मान दिया है। वहीं क्षेत्रीय विधायक ने जो भी उनके घर गया है, चाहे वो यादव समाज का रहा हो चाहे इसी समाज का रहा हो, सबको अपमानित किया है। मेरे यहाँ जो भी आया है सम्मान मैंने दिया है और सम्मान पा रहा हूँ। आज सर्व समाज के लोग मेरे साथ हैं। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मैं एक तरफा चुनाव जीतूंगा, सर्व समाज का वोट लूंगा। जी, लेकिन कहीं ना कहीं ललित यादव का कहना कि हमने 4 बार यहाँ पे 4 बार विधायक रहे, वो कह रहे कि हमने पूरी विधानसभा में पूरी तरह से पकड़ बना रखी है, आपको क्या लगता है कि 4 बार विधायक रहे उनको मात दे पाएंगे आप? आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ, उनके चाचा 4 बार प्रमुख थे यहाँ। जब मैं 96 में प्रमुख पद का चुनाव लड़ा तो यही बातें लोग कह रहे थे कि 4 बार से प्रमुख हैं, आप इनको हरा पाएंगे। चुनाव परिणाम जब आया, 101 वोटों में केवल 22 वोट पाए, सारी वोट मुझको मिली थी, भारी बहुमत से जीता था। वही इतिहास दोहराने फिर मैं जा रहा हूँ। 4 बार के विधायक हैं, इनको इतने अंतर से हराऊंगा कि इनको एहसास हो जाएगा। जी, अगर आप सागंज से विधायक चुने जाते हैं तो आपका सबसे पहला प्रयास क्या होगा इस सागंज के लिए? सागंज का जो अधूरा विकास है उसको पूरा करूँगा। क्षेत्र की समस्याएँ आप देख रहे हैं, चारों तरफ सड़कें टूटी फूटी हैं, चलना दुर्लभ है, ना जल निकासी नहीं है तमाम मार्केटों में। इस क्षेत्रीय विधायक ने किसी मार्केट में 1 शौचालय नहीं बनवाया, सुलभ शौचालय। गांव की मार्केटें हमारे जैसे रुदौली है, बीबीगंज है और पटेला है, खुटान है, कम से कम सुलभ शौचालय बना होता तो जो महिलाएं क्षेत्र से आती हैं, इतनी दिक्कतें होती हैं उनको, वहाँ तक जाती बेचारी। मैं सुलभ शौचालय बनाने का काम करूँगा, सड़क बनवाने का काम करूँगा। बीबीगंज में आप देखेंगे थोड़ा सा पानी बह जाता है मार्केट में तो आप गाड़ी खड़ी करके उतर नहीं सकते हैं, वहाँ जल निकासी की व्यवस्था कराऊँगा। तमाम समस्याएँ हैं, सारी समस्याओं का मैं निदान करूँगा। मैं राजनीति विरासत में नहीं पाया हूँ, मैं अपने संघर्षों से, जनता की सेवा से राजनीति में आया हूँ और हमेशा अपने बल पर चुनाव जीता हूँ। जनता के स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है, निश्चित रूप से आने के बाद जनता की समस्याओं का निदान करूँगा। जी, आपको एक चीज़ और हम बता देंगे, इस सागंज में एक चीनी मिल है, वो काफ़ी दिन से बंद पड़ी है, उस पर काफ़ी दिनों से राजनीति चल रही है, क्या लगता है आपको अगर विधायक बनेंगे तो काम करेंगे आप उस पर? चीनी मिल पूरी तरह से नीलाम हो चुकी है, अब वहाँ बनने का राजनीति तो उस पर हो रहा है। हर पार्टियाँ कह रही कि हम उसको चलवाएंगे, चालू करवाएंगे। हर पार्टी के नेता की तरह मैं झूठा नेता नहीं हूँ, मैं सही राजनीति करता हूँ, सही तथ्य बोलता हूँ। जो चीज़ नीलाम हो गई, दूसरा व्यक्ति प्राइवेट खरीद लिया है, उसको कैसे आप लेंगे, कैसे चलवाएंगे, कोई सरकार कैसे चलवाएगी? मेरी प्रॉपर्टी है, मैं नहीं दूंगा तो कैसे उस पर चलेगी? सरकार अगर आई तो मैं मांग करूंगा किसी अन्य जगह चीनी मिल बनवा कर
किसानों की समस्याओं का निदान किया जाए। कहा जाता है कि जिला बनाने का काम केवल मायावती ने किया है। मान्या बहन जी ने जितने जिले बनवाए शायद किसी सरकार ने नहीं बनवाया, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि शाहगंज का कोई विधायक उस समय नहीं था और इस समस्या को उठाया नहीं। मान्या बहन जी एक सेकंड में इसको जनपद बनवा देती, जबकि चार जिले का घिरा हुआ है, बॉर्डर है, चार जिलों के लोग यहाँ मार्केट में आते हैं। जितने प्रत्याशी हैं यहाँ, पूंजीपति हैं और उनकी बैकिंग है, आप तो जमीनी नेता हैं, आप इतना स्ट्रगल कैसे कर ले रहे हैं? मुझे हर जनता मेरे साथ खड़ी है, मैं प्रचार नहीं, पूरी जनता मेरे साथ प्रचार कर रही है। जनता जान रही है कि धन पशुओं से मुकाबला है, एक बाहुबली के साथ मुकाबला है, इसलिए जनता मेरे साथ लड़ रही है। मैं तो हमेशा संघर्ष करता रहा, आपने देखा होगा ब्लॉक प्रमुख में जब एक विधायक मंत्री थे, पूरी जनता मेरे साथ संघर्ष करती थी और मैं चुनाव जीतता था। इन्होंने कभी मुझे जो है एक बार केवल सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव हराए थे, नहीं कभी मुझे हरा नहीं पाए थे। मेरे साथ निष्ठा और ईमानदारी से चुनाव हो तो ललई यादव मुझसे कभी कोई चुनाव नहीं हो सकते हैं। एक आखिरी सवाल कि क्या लगता है अब की बार बीएसपी यहाँ उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें निकाल पाएंगे? बीएसपी अस्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, 2007 का इतिहास फिर दोहराने जा रही है। आप देखेंगे परिणाम चौंकाने वाले होगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में जिस तरीके से मान्या बहन जी ने टिकट का बंटवारा किया है, आप देखे होंगे सारे दलों की हालत खराब है। जैसे प्रशासनिक व्यवस्था मायावती की थी कि एक टेरर था अधिकारियों में, वो समय से काम करते हैं, क्या आपकी सरकार बनी पुनः वो टेरर कायम रहेगा? आप बताइए, पुनः बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी तो उनका वही कानून का राज रहेगा, वही टेलर रहेगा और बल्कि और हनक ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इधर विगत 10 सालों से कानून व्यवस्था पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। मान्या बहन जी ज्यों आएंगी पहले की तरह से कानून का राज होगा, अधिकारी घड़ी देखेगा कि कब 10 बज रहा है, उसके 5 मिनट पहले दफ्तर पहुंचेगा, किसी अधिकारी में रिश्वत लेने की हिम्मत नहीं होगी, एक कानून का राज होगा। अभी हमारी बात हो रही थी शाहगंज विधानसभा से बसपा प्रत्याशी इंद्रदेव यादव जी से। अभी हम मौजूद थे बसपा प्रत्याशी शाहगंज विधानसभा से इंद्रदेव यादव जी से, हमारी कुछ बातचीत हुई शाहगंज विधानसभा को लेकर। हमारा वीडियो देखकर आप भी कमेंट में राय दें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।